मेरी उपलब्धियों के रूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस मुख्यालय की एक PMS परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम की व्यवस्था है, वो बाड़मेर की नहीं है, पुलिस मुख्यालय स्तरीय व्यवस्था है। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे जो प्रेडिसेसर SP साहब थे उस वक़्त, ये ज़िला, उसमें पूरे राजस्थान भर में 41 पुलिस के ज़िले हैं, उसकी रैंकिंग होती है कंपैरेटिव फर्स्ट से लेके 41 तक की। उस वक़्त बाड़मेर ज़िले की रैंकिंग 31वीं थी, वो 31वें स्थान पर बाड़मेर ज़िला था। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इन 3 महीनों में बाड़मेर पुलिस ने मेहनत करके हमने इसको 15-16 पायदान ऊपर चढ़ा करके 15वें स्थान पे नवंबर की जो रैंकिंग है उसके अंदर बाड़मेर पुलिस पहुंची है। इसी प्रकार से जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो जो ज़िले की पेंडेंसी थी, जो हमारा एक मेजर यार्ड स्टिक होता है कि अनुसंधान कितने लंबित है, तो लगभग 45% की पेंडेंसी मुकदमों की लंबित होने की संख्या थी, और कुछ दिनों तो ये 50% को भी क्रॉस किया था। हम इसमें भी सफल हुए और 1 जनवरी 2020 को जो पेंडेंसी थी, जो कि 31 दिसंबर तक का आंकड़ा था कि 31 दिसंबर को जो पेंडेंसी थी वो 1 तारीख की सुबह आई, 8.87% हमारी पेंडेंसी रही। पहले जो क्राइम और क्रिमिनल्स हैं उन पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं, हिस्ट्री शीट खोलने की एक व्यवस्था पुलिस मुख्यालय और पुलिस एक्ट और RPR के तहत लेट डाउन है। यहाँ मैंने आकर के ये देखा है, हिस्ट्री शीटें तो थाने पे खुली हैं, बहुधा वो पुरानी खुली हुई हैं। बहुत से वो अपराधी जो अब शांत हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब उन्होंने अपराध की दुनिया को छोड़ दिया है, उनकी हिस्ट्री शीटें अभी भी संचालित हो रही हैं, जिनकी की कोई सर्वेलेंस की आवश्यकता नहीं रह गई है। और ऐसे कई अपराधी नौजवान जो नए पैदा हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी हिस्ट्री शीट्स अभी तक नहीं खुल पाई। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, जो मैंने कल SHO उसको बताया है, कि सबसे पहले हम चिन्हित करेंगे थाने वाइज जो भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनके खिलाफ भी 4-5 से अधिक ज़्यादा प्रकरण दर्ज हैं, और उनके चिन्हीकरण के पश्चात उनके खिलाफ जो भी दर्ज मुकदमे हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी के उपरांत उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेना, और केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के न्यायालय के अंदर ट्रायल ढंग से पूरा करवाना और उनको सजा दिलवाना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी तक किसी भी कस्बे से ये फीडबैक, या उस कस्बे का व्यापार मंडल या जो भी चिरपरिचित लोग मेरे CLG मेंबर आते हैं, किसी ने भी मेरे से आके ये नहीं बोला कि साहब इतने तारीख से सभी व्यक्ति, हम सारे व्यापार मंडल के लोग हेलमेट लगाए नजर आएंगे और मैं अगले दिन से जाप्ता भेजूँ, ये दावा उन्होंने नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, हमारा सहयोग करे आम जनता, और उसमें विशेष रोल है जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं जिनकी खुद की गाड़ियाँ हैं, कि वो प्रेरित करें, बजाय इसके कि हमें चालान बना करके उन्हें बाध्य करना पड़े। ये तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर आपकी बात थी, और यहाँ से हम भी पुलिस मुख्यालय ने अब इस प्रकार इसको थर्ड प्रायोरिटी में लिया है, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में कमी लाना, वो हम प्रयास करेंगे एजुकेशन के माध्यम से, इंजीनियरिंग डिफेक्ट को रिमूव करने के माध्यम से, और एनफोर्समेंट के माध्यम से, जो तीसरा ओवर स्पीडिंग हमारे पास जो 2 वाहन हैं उनको हाईवे पर रख करके उनके चालान बनाना, गाइड करना कि भाई आप इस स्पीड से ऊपर नहीं जाएं, इनके लगातार सिग्नल्स लगाना, ये हम हाईवे से निवेदन करेंगे कि जो स्पीड लिमिट है उसके सिग्नल्स हर थोड़ी दूर पर लगाए जाएं। वाहन चोरियों का जहाँ तक आपने बात किया, निश्चित रूप से वाहन दुपहिया और चौपहिया दोनों की चोरियाँ हो रही हैं, ये बात सही है। हमारी कुछ छोटी मोटी उपलब्धि थी, हमने दुपहिया गैंग और चौपहिया गैंग विगत 1 महीने के अंदर बरामद किए और कुछ लोगों को पकड़ा भी। पुलिस की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में भी इन चोरियों के हो जाने के उपरांत तमाम प्रिवेंशन के बावजूद हम तमाम जो भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होंगे, गैंग्स इन्वॉल्व होंगे, उनको पकड़ेंगे और मोटरसाइकिलों को और चौपहिया वाहनों को बरामद करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि अभी हमने कुछ 6 चौपहिया वाहन और 8-10 2-व्हीलर्स बरामद किए थे। पुलिस मुख्यालय की टॉप प्रायोरिटी वही मेरी है, अपराधियों और अपराधों पर अंकुश, तो उसी में वाहन चोरी भी एक प्रकार से बड़ा संगठित अपराध हो गया है।
उसको बड़े संगठित तरीके से उठाया जाता है, संगठित तरीके से बेचा जाता है, तो इस पर भी हम पूरा पुरजोर तरीके से लगाम लगाएंगे।